जय हिंद दोस्तों, आज हमारे सामने कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, एयरटेल से जुड़ी हुई है। एयरटेल ने क्या कहा है? एयरटेल ने बोला है कि उसको एक पेनाल्टी नोटिस आया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से। इन्होंने इनके कुछ रूल्स को वायलेशन किया है ऑफ सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स को। तो ये एयरटेल के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ 8 जनवरी को निकल के आ रही है। अगर हम एयरटेल के शेयर्स की बात करें तो एयरटेल कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो ईयर टू ईयर प्रॉफिट में चल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ दिखाई दिया है, 12,000 करोड़ इस साल का है, इसके पहले 8,000 करोड़। बीच में कुछ टाइम आया था जिसमें इसको लॉस हुआ था, उसका रीज़न हो सकता है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया था, इस वजह से इनका लॉस आया था ओवरऑल नेट प्रॉफिट में। वैसे अगर हम इस कंपनी को देखें तो 2015 जियो के आने के बाद भी ये कंपनी सस्टेन करी और कंटिन्यूअसली इसने प्रॉफिट बनाया है, मतलब ये कंपनी आगे भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें 2023 से देखा जाए, अगर हम पिछले एक साल की ग्रोथ की, तो 750 से ये कंपनी 1050 तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, मतलब कंटिन्यूअसली इस शेयर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है शेयर होल्डर्स के लिए, और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना रहे हैं तो हो सकता है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद या फिर अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये शेयर 1500 के टारगेट्स को अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे हमारे सामने एक न्यूज निकल के आ इंडिगो शेयर से। इंडिगो कंपनी ने अपने फ्रंट सीट के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने की पॉलिसी बनाई है। उन्होंने क्या कहा है? एज पर द फी एंड चार्जेस मेंशन फॉर वेरियस सर्विसेज ऑन द एयरलाइंस वेबसाइट सेलेक्टिंग अ विंडो सीट के लिए अलग पेमेंट करना पड़ेगा और फ्रंट सीट के लिए अलग, फ्रंट रो के लिए अलग करना पड़ेगा। फ्रंट रो में ज्यादातर लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि पैर वगैरह फैलाने में उनको दिक्कत नहीं होती है ज्यादा, तो ये एक मेन रीजन होता है फ्रंट रो का। की वजह से शेयर्स पे कुछ खासा ग्रोथ इंपैक्ट तो हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर हम इनके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है? तो मार्च 2023 में ये लॉस में थी, उसके पहले भी लॉस में थी। बेसिकली एयरलाइन कंपनियां जो होती हैं उनको प्रॉफिट बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो ये एयरलाइंस ही रेंट पे लेती हैं, उसके बाद उस पे अपना लोगो चिपका के ये उसको उड़ाती हैं। उसका रेंट इतना ज्यादा होता है, हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज कवर की थी स्पाइसजेट से रिलेटेड। स्पाइसजेट में भी 3 कंपनियों ने केस कर रखा है कि उन्होंने पेमेंट को जो वो कंपनियां जो एयरलाइंस वो लेती हैं जिस कंपनियों से, उनका पेमेंट डिफॉल्ट किया है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से एविएशन सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं इनमें प्रॉफिट आना मुश्किल हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स भी इससे दूर रहते हैं। इससे आप भी दूर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं, इसके शेयर को देखें। इसका शेयर ऊपर नीचे लगाया रहता है। फिलहाल तो ये शेयर 3,000 रुपए चल रहा है, बट मार्केट के सेंटिमेंटल और इसके प्राइस में मुझे कोई इक्वालिटी दिखाई नहीं दे रही है। 3,000 रुपए क्यों चल रहा है आई डोंट नो। आप इससे दूर रहिए, आप इसमें दिमाग मत लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये एक न्यूज अच्छी निकल आ रही है ICICI बैंक से। इन्होंने 30 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन एक्सपेक्टेशंस फॉर रिकॉर्ड फंड रेजिंग इन इंडिया। इन्होंने बेसिकली हायर किए हैं 30 बैंकर्स को लगभग, जो कि इनका टारगेट है अब तक की सबसे बड़ी फंड रेजिंग करने का। ICICI का बैंक की बात करें, ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है बैंक, और आने वाले समय में इसका अगर हम 1500 से 2000 रुपए टारगेट सोच के चलें तो कोई कम नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर कहीं मार्केट में कोई बैड न्यूज आती है बैंक से रिलेटेड तो गिरेगा भी ICICI, क्योंकि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है। द फर्म प्लान्स 15 न्यू हायर्स इन इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन इन दिस ईयर, बिकॉज इनका काम बढ़ रहा होगा इसीलिए इन्होंने अपना 15 न्यू हायर्स कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर हम बैंक की प्रॉफिट लॉस को देखें ICICI बैंक के, तो हम देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। 7,000, फिर 10,000, 11,000, 12,900, 10,900, 11,300, 9,000, कुछ कम भी हुआ उसके बाद फिर से इन्होंने बूम पकड़ा 11,000, 20,000, 26,000, 35,000। लास्ट अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर में तो 35,461 करोड़ का था, आगे भी देखने की उम्मीद अच्छी है। इसको करंट शेयर मार्केट के प्राइस को देखें तो ये अभी 900 पे चल रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है ये 1200 प्लस बहुत जल्द दिखाई दे। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इसका शेयर प्राइस 980 के आसपास चल रहा है, और पिछले एक सालों में इसने 800 से 980 रुपए का टारगेट अचीव किया है, मतलब लगभग 200 पॉइंट प्लस पॉइंट का रैली दिया है उन्होंने मार्केट को एक साल के अंदर। ये भी शेयर बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक न्यूज निकल के आ रही है अदानी पोर्ट्स से। तो अदानी पोर्ट्स ने क्या बोला है? अदानी पोर्ट्स फर्स्ट बॉन्ड इश्यू इन ओवर 2 ईयर लैब्ड मोर अपकमिंग बैंकर्स। द फंड रेजिंग फॉलोज द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन दैट द ग्रुप इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट्स को ये बोल दिया है कि जो इनकी जांच सेबी कर रहा था वो सेबी ही करेगा, कोई एडिशनल इंक्वायरी इनके लिए अभी नहीं बैठेगी। अगर हम अदानी पोर्ट्स के प्रॉफिट की बात करें तो अदानी पोर्ट्स का प्रॉफिट अगर हम देखें लास्ट में तो 5,300 दिखा रहा है, फिर 4,000, 5,000, मतलब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये कंपनी अच्छी है।
अदानी पोर्ट्स का काफी बड़ा नाम है, वर्ल्ड रैंकिंग में भी अदानी पोर्ट्स एक अच्छी जगह एक्वायर करती है, टॉप 10 कंपनियों में आती है। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें, अदानी पोर्ट का शेयर आप देखेंगे लगभग एक साल में डबल हो गया है। ये कुछ समय पहले जो न्यूज आई थी हिंडबर्ग की, उसके बाद ये 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज ये 1172 के रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल एक साल में इसने अपने आप को डबल कर लिया है। देखा जाए इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो सकती है आगे वाले समय में, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। RSI भी इनका 80 के आसपास चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी सब खबर है। चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, भारत फोर्ज। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी जी ने बोला है कि इनका प्लान है 20,000 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ। तो देखा जाए 20,000 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ अगर इनकी होती है तो ये शेयर को लगभग 2 times और 3 times करने के लिए काफी होगी। इन्होंने बोला है इनका एक्सपेंशन कर रहे हैं ये अपनी कंपनीज का, डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रही है। आने वाले कुछ सालों में द डिफेंस बिजनेस कुड पोटेंशियली सरपास द कंपनीज कोर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द साइज। इनके कहने का मतलब है कि आने वाले समय में इनका जो डिफेंस का सेक्टर है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कंपनी के कोर बिजनेस जो इनका मेन काम है उससे भी ऊपर निकल जाएगा। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर में इन्होंने 508 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, उसके पहले इन्होंने 1000 करोड़ का, इसके पहले एक लॉस भी था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने ग्रोथ पकड़ी है। ओवरऑल अगर हम शेयर्स की बात करें तो ये शेयर लगभग 700 रुपए से ट्रेड करता हुआ एक साल में आज 1256 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल शेयर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, डिफेंस से जुड़ा हुआ, ये एक बहुत बढ़िया खबर है। इसके बाद एक टाटा स्टील से न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप टाटा स्टील के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। इन्होंने बोला है कि ये मर्जर कर रहे हैं, अपनी जितनी छोटी कंपनियां थी उनको मिला रहे हैं और उन सब कंपनी शेयर होल्डर्स को टाटा स्टील के शेयर दे रहे हैं। क्या किया जा रहा है, इन्होंने 1 January 2019 की रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर ली है टू अलॉट शेयर TCIL शेयर होल्डर्स। TCIL को ये अपने में मर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो शेयर होल्डर है TCIL के, उनको ये टाटा स्टील के शेयर प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट टाटा स्टील की, तो हमें पता है टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है। लास्ट क्वार्टर में इनका 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 41,000 करोड़ दिखाया इन्होंने प्रॉफिट, उसके पहले 8,000 करोड़। ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर हम इसके शेयर्स को देखें तो लास्ट 1 year में इसका शेयर लगभग 100 रुपए से 140 रुपए पे आ गया है, मतलब 40% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो ये थे कुछ शेयर्स जो मैं आपके सामने लेके आया, उनसे जुड़ी हुई न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।